वो तो आगे से मतलब लाठिया और डंडे लेके तैयार खड़े थे। मेरे वाइफ जो प्रेग्नेंट है 8 महीने से, उसके ऊपर उसके वो छगन सिंह ने हमला किया। बीच बचाव में मैं गया था सर, उन्होंने मुझ पर भी लाठियों से हमला किया, लेकिन वो लोग घर पे आके फायरिंग कर रहे थे। 5-6 फायर किए उसने घर पे खाली भी, और उसके बाद में इनकी छाती में गोली दागी। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग। भीम तहसील में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रिश्तेदार भाई और पीड़ित के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसके चलते समझाइश के दौरान रिश्तेदार पक्ष भड़क गया और परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। साथ ही आरोपी पक्ष ने घर में घुसकर तबाही मचा दी और पीड़ित के पिता पर गोली चला दी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति को ब्यावर से जेल अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सगड़ा निवासी हूँ मैं, भीम तहसील है। पिछले कुछ दिनों से मेरे और मेरे पड़ोस में मेरे भाई है, जो उसके और मेरे बीच में मतलब जमीनी विवाद को लेकर मामला चल रहा था। लड़ाई कुछ नहीं थी, ये खेत था जो पार्टनरशिप में मतलब मिक्स में हमारा नाम बोल रहे पिताजी और उनके। तो मैंने कहा कि जो भी है जो समझाइश करके उसका निवारण करो, वो खेत हमारा भी आधा बनता है। उसी चक्कर में कल हमने बातचीत की, मैं और मेरे भाई उनसे पूछने के लिए गए, भाई जो खेत है तो उसमें हमारा जो भी है जो उसका निवारण करो। वो तो आगे से मतलब लाठिया और डंडे लेके तैयार खड़े थे। मेरे वाइफ जो प्रेग्नेंट है 8 महीने से, उसके ऊपर उसके वो छगन सिंह ने हमला किया। बीच बचाव में मैं गया था सर, उन्होंने मुझ पर भी लाठियों से हमला किया, तो उस वजह से हमारे हल्की फुल्की चोटें भी आई हाथ वगैरह के। और फिर हम इसी पर्पज़ हम भीम थाने पर जाके वहाँ पर FIR दर्ज करवाने चले गए। हाँ, वो बात का मामला सर, एक्चुअली फायरिंग जब हम तो वहाँ चले गए सभी फैमिली, फिर वो जो बंदा है इन्होंने पीछे से क्या है कि उनको कॉल करके बुलाया। वो सर 3 या 4 कितने थे वो पता नहीं अभी तक, लेकिन वो लोग घर पे आके फायरिंग कर रहे थे। तो पड़ोसियों ने हमें कॉल करके सूचना दी कि भाई कोई घर पे आया, तोड़ फोड़ कर रहा है बहुत ज़ोरदार, जिसमें मेन गेट वगैरह सब तोड़ दिया उसने और सामान वगैरह सब नीचे उधर फेंक दिया उसने। फिर उसके बाद में पिताजी वहाँ सामने नीचे बैठे थे, तो इन्होंने देखा कि घर पे कौन तोड़ फोड़ कर रहा है, इसी पर्पज से ऊपर गए। तो वहाँ जाते इनको उसने सामने से फ्रंट से शूट किया, 5-6 फायर किए उसने घर पे खाली भी, और उसके बाद में इनकी छाती में गोली दागी। वो गोली तो क्या है कि गंदे में तैयार है कि वो जो लॉकेट था, लॉकेट की वजह से ये यहाँ पे सही सलामत बैठे, बाकी ये जिंदा नहीं बचते। बाकी रिपोर्ट्स मेरे हाथ में है इनकी, ये देखो साला है, और दो तीन साले थे वो, तीनों में से दो तो पक। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा अजमेर, 9571204206। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. इस दिवाली घर आएगी खुशियां ही खुशियां। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैंड चिमनी की खरीद पर ग्लैंड चूल्हा 10 इयर्स गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री, साथ ही आरओ पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग, बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर।